Hello, children. How are you? I hope you all are doing good. Children, now I am going to read a poem, Sympathy. The poem, Sympathy, is written by Charles Mackey. He was born in 1814 at Perth. He was a famous singer and a poet, too.

सोना दिया लेकिन काइंड वर्ड नहीं बोले उसने कुछ भी ऐसे वर्ड्स मुझे नहीं शो करे कि जो उसकी दया को मेरी तरफ दिखाते माई सोर पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गिव टू मी देन इज टूट इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स इरेक्ट इरेक्ट मीन्स सीधे खड़े होना एंड ब्लेस्ड चैरिटी कुछ टाइम बाद मेरे जो दुख थे वो चले गए और मैंने उसको उसका गोल्ड वापस किया और सीधे खड़े होकर के जो है उसके सामने उसको धन्यवाद दिया और उसकी चैरिटी के लिए ब्लेस किया आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन अ पुअर मैन पास्ट माई वे ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे फिर दोबारा जो है वो दुख में आया कुछ परेशानी उसको हुई तो एक पुअर मैन जो एक गरीब आदमी था वो उसके पास से गुजरा उसने उसका सिर दबाया उसको ब्रेड दी खाने के लिए और रात दिन उसकी देखभाल करी हाउ शैल आई प्रे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही टू मी ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपथी जो गरीब इंसान इनसा, था उसने उसकी देखभाल करी उसके काइंड अपनी सिंपथी उसके तरफ शो करी तो पोएट यहां पर कंफ्यूज हुआ कि मैं उसके सिंपैथी को मैं उसके लिए क्या प्रे करूं मैं उसके सिंपथी का बदला कैसे दूं जो उसने मेरे लिए दिन रात किया जो गोल्ड प्राउड मैन ने मुझे दिया था नो no डाउट वो ग्रेट थिंग थी बट जो है दैट इज फार ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स इन वर्ल्ड तो देखा बच्चों आपने सोना चांदी हर दुनिया की हर जवाहरात हर प्रॉपर्टी से ज्यादा बड़ी हमारे लिए सिंपैथी होती है अगर हम दया के दो शब्द प्यार के दो शब्द किसी को बोल देते हैं तो उससे हम उसका दिल जीत लेते हैं आई होप यू हैव इंजॉयड द पोम नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट